हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ मैक्स मोटोवर्क्स में, क्योंकि आपने जैसा मेरे को इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो जैसा क्या है, मतलब जितने लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है उन लोग को पता होगा कि मैक्स मोटोवर्क्स में हमको इन्वाइट किया था कि उनका इनॉग्रेशन है, तो वहाँ पर हम लोग इन्वाइटेड थे एज अ स्पेशल अपीयरेंस। सो आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके देखूँगा कि मैक्स मोटोवर्क्स में क्या यूनिक चीज़ है। तो अभी तो मतलब थोड़ा लेट ही उठना हुआ है और ऐसा हो गया कि अभी 11 बजे वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि 11 बजे उनका इनॉग्रेशन था। तो उनका मेरे को गली फ़ोन आया था कि 11 के थोड़े पहले पहुँच जाना, तो मैं भी फटाफट से वहाँ से निकल रहा हूँ, थोड़ी तैयारी करता हूँ और वहाँ पर जल्दी से जाता हूँ, ताकि वहाँ पर जाके जल्दी हम थोड़ा पहुँचे और उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंजॉय कर सके। हम आज आए हुए थे मैक्स मोटोवर्क्स में, जिनका आज इनॉग्रेशन है। और यहाँ पे ऐसा है कि अभी फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ऐसा देखा है कि ये रास्ते पे इतने अच्छे मतलब कोई गैरेजेस नहीं थे, बट मैक्स मोटोवर्क्स यहाँ पे खुला हुआ है। और अभी हम इनकी सर्विसेज इनसे पूछेंगे कैसा है। और ये जो है ये आपको पड़ता है कैंसर हॉस्पिटल के अपोजिट कुकड़ी जी 2+ स्क्वायर पे। तो यहाँ के जो ओनर हैं उनसे हम थोड़ी बात करेंगे, उनको जानेंगे कि मैक्स मोटोवर्क्स में यहाँ पे वर्क कैसा होता है और ये अगर कुछ यूनिक है तो इसमें यूनिकनेस क्या है। तो गाइस अब आए हुए थे मैक्स मोटोवर्क्स में और भैया यहाँ के ओनर हैं। सबसे पहले तो भैया बोला जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से गैराज के लिए। तो अभी मेरे को ये चीज़ पूछना था कि यहाँ पे यूनिकनेस क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि भैया यहाँ पे साइड में मतलब गाड़ी वगैरह बहुत अच्छी खासी लगी हुई थी, तो भैया मेरे को मोटो बताइए कि मैक्स मोटोवर्क्स का अपना मोटो क्या है। बेसिकली मैक्स मोटोवर्क्स मतलब मैक्सिमम मोटोवर्क्स, मोटो स्टैंड फॉर ऑल द काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स। हम लोग यहाँ पे जितनी भी मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है वो है क्वालिटी सर्विस करना। हम लोग जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करेंगे, कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, और जो भी यहाँ पे चीज़ें होगी ना वो सब हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड रहेंगे। तो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, कुछ कोई गलती का गुंजाइश पूरा सेटिस्फेक्शन देने की हम कोशिश करेंगे, हालांकि कस्टमर्स को भी सेटिस्फाइड होते नहीं, बट ड्राइवर को। भैया मेरे को ये बताइए कि आज आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से कंपनी के और कैसे हैं टूल्स? बेसिकली हम स्टैनली के टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो बेस्ट इन क्लास है। स्टैनली के बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमको यही मतलब मेन है कि एक्चुअली टूल्स की जितनी अच्छी क्वालिटी रहे, जो भी नट्स रहेंगे, स्पैनर्स रहेंगे, जो भी, वो स्लिप ना होने चाहिए। जितने अच्छे टूल्स रहेंगे उतने अच्छे आपके गाड़ी के नट बोल्ट्स रहेंगे, ये सीधी सीधी बात है। क्योंकि देखो ऐसे बेसिकली मैं चीज़ बता देता हूँ, जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो तो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, तो उन लोग को बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता होगा अच्छे, और जो नहीं कर रहा है तो उनको हमारे नॉलेज भी पता चल रहा है। और भैया आपको पूरा अभी डिस्क्राइब करने वाले कि मैक्स मोटोवर्क्स में और क्या क्या हमको चीज़ें देखने मिलेगी। तो ये जैसे हमने देखा ये स्क्रू ड्राइवर है, ये स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ पे गाड़ी मतलब पूरी सर्विस होगी, पूरी सर्विस होगी, जो भी गाड़ियों पर कोई भी टाइप का रिपेयरिंग, हर एक टाइप का रिपेयरिंग यहाँ पर हो जाएगा। और टू व्हीलर्स मैक्सिमम हम लोग अभी स्टार्टिंग में 650 cc तक ले रहे हैं, होपफुली फ्यूचर में हम उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे। और हमारे पास में सब ट्रेंड मैकेनिक्स हैं, तो क्वालिटी सर्विस हम आपको देना चाहते हैं, बस मेन हमारा मोटिव है क्वालिटी सर्विस। ओके, तो इसका वॉशिंग एरिया वगैरह? जी वॉशिंग एरिया भी, आप ये भी नोट कर लीजिए, ये सब स्पेशल टूल्स हैं। मतलब अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे भी टूल्स हैं, और बेसिकली देखा जाए तो इतने टूल्स आपको एक रिप्यूटेड कंपनी में मिलते हैं, बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे इतने टूल्स हैं। और प्लस भैया ने जैसा भी बताया कि यहाँ पे जो टेक्नीशियंस हैं वो भी बहुत अच्छे, तो अभी मतलब यहाँ पे ऐसी मतलब गाड़ी वगैरह पूरी आ चुकी है, तो ये आपका पूरा काउंटर एरिया जी, तो ये पूरा काउंटर एरिया जहाँ पे बिलिंग वगैरह चलता है।
तो बिलिंग के बारे में अपन एकदम आखिरी में देखेंगे बिलिंग कैसे चलता है और उसके बारे में थोड़ा पूछेंगे। तो भैया वॉशिंग एरिया आपका कहाँ है? जी बेसिकली हमारा वॉशिंग एरिया, तो हमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी चाहिए वॉशिंग एरिया, तो मुझे नहीं लगा कि कुछ यहाँ पे पैक करना चाहिए, तो बेसिकली ये प्लास्टिक के कर्टन हमने लगाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे। मतलब जैसे मैं यहाँ बैठूंगा यहाँ पे वॉशिंग कैसे हो रही, ताकि मैं पर्सनली कुछ कोई चीज़ों पे मतलब कस्टमर देख सकता है कि गाड़ी कैसे देख सकेंगे पॉसिबली, और हम लोग भी मतलब अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाएंगे। तो ये वॉशिंग एरिया है पूरा, ये पूरा तो मैं वॉशिंग एरिया मतलब ये पूरे यहाँ पे सर किट्स वगैरह जो लगी है, ये जो यहाँ पे जो जैसा प्रेशर से जैसा बाहर जो हम लोग धोते थे गाड़ी वगैरह, ये बेसिकली एकदम हाई प्रेशर गन है। इसमें हम नोजल एडजस्ट करते हैं इसके हिसाब से, जो उसका पॉइंटर है वो डिसाइड करना है वो फैल के डालना है कैसे डालना है, और ये बेसिकली हमारी फोम गन है। तो हम लोग फोम वॉश करेंगे, ये नॉर्मल वॉश नहीं रहेगा। एक बार आपकी गाड़ी का प्रेशर वॉश से हो गया उसके बाद में ये पूरा फोम जिससे झाग जाएगा, अभी तो इसमें कंप्रेसर बनता है तो इसमें पूरा झाग जाएगा जो आपने देखा हो जैसे कि स्नोफॉल हो रहा है गाड़ियों के ऊपर में, और उसके बाद में उसको अच्छे से पूरा क्लीन करके बाद में फिर से प्रेशर वॉश किया जाएगा। बाद में यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए सूखने रखेंगे, बाहर जाएगी पॉलिशिंग होगी, गाड़ी चकाचक। मतलब बोल सकते हैं कि एक वाटर वॉश के साथ में हमको फोम वॉश भी उसमें इंक्लूड मिल रहा है। जी ओके ओके, और इसके अलावा और कुछ यहाँ पे? और ओके तो बेसिकली फिलहाल जितना हमने एरिया देखा ये हमारा सिर्फ सर्विस सेंटर का है। अभी हम आगे में जो प्लान कर रहे हैं अब आइए, ये अंदर में भी और एक साइड है। हाँ, ये हम अंदर में ही हमारा थोड़ा सा सीक्रेट साइड है एक्चुअली। ओके तो ये और वो यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो एरिया है जो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा पर्सनल मॉडिफिकेशंस के लिए। हम लोग बेसिकली जैसे मॉडिफिकेशंस आप कोई गाड़ी में करते हो, चेसिस सेंटर करते हो, उसमें आपका आरटीओ का बैन मैन लग जाता है। तो मेरा मोटिव यह है कि हम लोग बिना चेसिस सेंटर किए हमारे तरफ से जो एक अलग टाइप से क्लैंप्स वगैरह लगा के जो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, मुझे वो चीज़ प्रमोट करनी है, ताकि अगर आपको आपकी गाड़ी बैक टू नॉर्मल करनी है आपके घर में बैठ के कर सकते हैं। तो मतलब ये कस्टमाइजेशन ऐसा है कि हर कोई यहाँ पे कर सकता है। तो कस्टमाइजेशन में क्या क्या है, जैसे तो हमने देखा कि बहुत बॉडी पार्ट कस्टमाइज होता है, पेंट कस्टमाइज होता है, कुछ लोग उसका ग्राफिक्स लगाते हैं, तो हमारे इधर कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन इन द सेंस एक हार्डवेयर टाइप का कस्टमाइजेशन रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई बुलेट लेके आते हैं, आपको स्क्रैम्बलर पैटर्न में बुलेट बनाना है या कैफरेसर बनाना है, या फिर किसी को कुछ और टाइप का मतलब जैसे कुछ क्या बोलते हो फेयरिंग वगैरह लगानी है कुछ इस तरह, तो वो हम लोग पल्सर डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ जैसे कि पल्सर गाड़ी को आर1 फाइव का डोम लगा दिया, ये सब चीज़ें नहीं करना है, हम लोग डेडिकेटेड मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो ये सिर्फ इतना ही एरिया या इससे ज्यादा हो? ये भी यहाँ पे भी ये भी हमारा एरिया है, मतलब ये दोनों जो साइड है। हाँ, ये दोनों साइड पे सिर्फ मॉडिफिकेशन ये मशीन का ये कॉम्प्रेसर है बेसिकली। ओके जी, जो कंप्रेसर जो बार अभी हमने देखा डाली है, तो अपने सर्विस एरिया में जाके जो भी एयर गन्स वगैरह या फिर मशीन पैकिंग की जो टूल्स रहते हैं उसके लिए यूज होगा इसमें। तो गाड़िया अंदर कहाँ से आएगी? तो बेसिकली ये दूसरा एंट्रेंस है, अभी हमने बंद रखा है बिकॉज आगे में थोड़ा रश है वहाँ का। तो जो मॉडिफिकेशन के लिए पर्सनली लाएंगे गाड़ियाँ, यहाँ पे एक रैंप लगेगा, यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ पे आराम से उसके ऊपर काम होगा। तो मतलब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ सर्विसिंग वगैरह हम मतलब टोटल ऑल ओवर जो पार्ट जो लोगों को बाहर जाके बात करते हैं कस्टमाइजेशन जाता था सर्विस के बाद कस्टमाइज करना है तो लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, तो यहाँ पर ऑल इन वन सर्विस मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स ऐसा चीज है कि यार देखो पर्सनली मेरे को ये चीज बहुत पसंद है क्योंकि नागपुर में ये चीज बहुत यूनिक है। हमने मतलब बहुत सारे जगह देखा है कि वहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह होते हैं, बट सर्विसिंग के साथ में कस्टमाइजेशन ये एक बहुत यूनिक चीज है, ये हम मतलब नागपुर में नहीं देखा, सेंट्रल इंडिया में तो नहीं है बट बाहर में बहुत जगह होता है। तो भैया ये जो चीज है हमको पर्सनली मेरे को बहुत यूनिक पसंद है। सो मैक्स मोटो वर्क्स का पहला जॉब कार्ड बन रहा है जो कि रॉयल एनफील्ड बुलेट का है। सो दैट्स अ ग्रैंड सक्सेस कि यार पहले ही दिन भैया को पहला जॉब कार्ड मिल गया। तो पलाश भैया आप मतलब किस तरीके से आप ये पूरा जॉब कार्ड आप मेंटेन करते हैं? बस ब्रो मतलब मैं पहले रॉयल एनफील्ड में था। ओके तो आई हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कि जिससे मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। ओके और बाकी तो एक्सपीरियंस के साथ हम लोग और अच्छे से कर पाएंगे। ओके तो जैसा कि आपने भी यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है जी, यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर फर्स्ट
और इसका क्या क्या इंस्पेक्शन होता है यहाँ पे? इसमें देखो ये टोटल 35 चेक पॉइंट्स है। ओके, तो जो नॉर्मल सर्विसिंग हम करते हैं गाड़ियों की, ओके, वहाँ पे आप लोकल में जाओ या कोई शोरूम में जाओ, हाँ, उनके अलग अलग टाइप के चेक पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग हमारे पर्सनल चेक पॉइंट्स रखे जो कि पूरे 35 उनकी क्वांटिटी है, हाँ, ये पूरे इंस्पेक्ट होंगे। हाँ, ये जो आपके एक GSP पैकेज रहेगा, जनरल सर्विस पैकेज, ओके, तो पैकेज में हर एक गाड़ी का हर एक मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेगा। हाँ, और उसमें फिर ऑयल भी रहेगा, इंक्लूड रहेगा उसमें ऑयल, और ये बाकी के पूरे 35 चेक पॉइंट्स उसमें चेक किए जाएंगे पूरे। तो गाइज अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, अभी फटाफट से घर जा रहे हैं क्योंकि दूसरा भी एक मतलब जगह पे थोड़ा बुलाया हुआ था तो वहाँ पे भी जाना था। तो अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो अगर देख लिया होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, नए होते सब्सक्राइब ज़रूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। टिल देन कीप सपोर्टिंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिट द पुअर, सेल्फ विद अदर्स एंड टेक केयर। बाय बाय।